सो हैलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सारे नूं, की हाल चाल। उम्मीद है सारे ठीक ही होवोगे। तो अज का अपना व्लॉग है कि जयदीप की नवी बाइक आ रही है। तो पहले उसने अपनी ईऑन सेल कर दी, तो फिर उसने i20 ली, उसको बड़े गिफ्ट मिल गया है ना। तो हूँ उसने अपना बुलेट 500cc सेल कर दिता है। तो अज उसकी कोई नवी बाइक आ रही है, सरप्राइज तुहाडे सारे वास्ते, तो मेरे वास्ते भी। तो अज मैं उसका वेट कर रहा। तो मैं थोड़ी देर पहले उसकी इंस्टाग्राम से उसको मैनशन करके स्टोरी पाई है, कॉन्ग्रेचुलेशन जयदीप। तो थोड़ी देर तक वो आने ही वाला है। तो हूँ टाइम हो गया 8 बज गए है, तो थोड़ी देर तक वो आने वाला है, तो उसका वेट कर रहा मैं। तो सारे चाह पी लो, सवेर हो गई है, तो मैं भी चाह पी लगा। तो फिर चाह पी के तो कर दें उसका वेट, जो आता फिर दस दें। तो चाह पी लो फ्रेंड्स, गुरबाणी चल रही है, तो उसका वेट चल रहा है, कर दें कंटिन्यू। सो असी आए नानी को। नानी की हाल है? ठीक है। ठीक है, और की कर दे वे? बस उठे हैं। हाँ, नहाते हैं सर तो पर। अच्छा, तो चाय पीती है? हाँ, बैठे हैं और फुलका छकेंगे कोई। और तुम्हें भी पढ़ो। ठीक है, नाओ तो पढ़ो, मारो ब्लॉग शाग, ब्लॉग ब्लॉग बनाओ बनाओ, पढ़ाई करो। हाँ, ब्लॉग नहीं मारो, ब्लॉग बनाओ बनाओ, ब्लॉग। हाँ, तो पढ़ाई करो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। सो गाइस, अभी जस्ट मैं गेड़ी लगा के आ रहा हूँ। तो हमारे फ्रेंड्स की एक्चुअली आपस में लड़ाई हो गई थी किसी के साथ, वो भी फ्रेंड्स ही हैं आपस में, तो हो ही जाता है कभी कभार। तो अभी मैं वहाँ से उनके साथ गेड़ी लगाने आ रहा था, गेड़ी लगा के आया हूँ। तो वो पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो वो उधर से चले जाएंगे, तो मैं इधर से अपने घर आ रहा हूँ। एक बारी आप मौसम देखो, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये मेरा छत है, और मौसम देखो यार, ओ हो हो हो। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। कैसे चल रहे हैं? चल रही है। तो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, मेरी मम्मा है, तो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। तो वहाँ पे आप चलता हूँ, तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये हो रही है बारिश इंडिपेंडेंस डे पे, तो जयदीप का वेट बहुत देर से चल रहा है। तो अभी मैं हलवा लेके आऊँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये है हलवा, तो हलवा बहुत ही स्वादिष्ट है, और मम्मी ने खाया, तो अभी ये बाकियों को भी खिलाएंगे। तो अभी खाते हैं पहले हलवा, फिर बात करेंगे। तो गाइस, जयदीप बाहर आ गया, तो दिखते हैं। ओ कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। ओ कैसी लग रही है बाइक? बहुत अच्छी यार, कैंट है यार। तो ये रॉयल एनफील्ड लाई है? यस। ओ एनफील्ड मीटियर 350। ओके, मॉडल सुपरनोवा। सुपरनोवा का मॉडल आता है अभी। ओके, तो कितनी पहुंचाई अभी पिकअप? अभी यार आते थे मैंने कोई 120 टच करा दी थी मैंने आते थे। ओ वाओ, अच्छी है बाइक है। अभी धोनी है तो यार, गंदी थी, बारिश तो हो रही थी बड़ी ज्यादा। हां, मेरे जूते भी भीग गए हैं, मेरी राइडिंग जैकेट भी भीगी हुई है। हाँ, तो उसको भी धोना यार, बड़ा गंदा हो गया यार। अभी आते थे ना, पूरा धोया हुआ, उन्होंने पूरा गंदा हो गया। तो गाइस, आपको इसके पूरे सीन मिलेंगे, सब उतार रहे हैं, इसका टेंशन। हां गाइस, आपको अभी धोने के बाद हम इसके बाद आपको लाइट भी चेक कराते हैं, ऑन करके दिखाते हैं आपको। मीटर देखिए इसका, भाई गर्मी बहुत है इसकी बैंड पाइप। ओ वाओ यार, यहां पर मैप चलता है, गूगल मैप, यहां पर गूगल मैप है। ओके, टाइम भी है, यहाँ से आप फोन चार्ज कर सकते हैं बाइक में चलते चलते। ये देखिए, फोन चार्ज, यहाँ से फोन चार्ज होता है। नीचे से देखना है, थल्लू करके फोन, USB लगी है। हाँ, वो दिखी दिखी है। इसमें फोन की डाटा केबल लग जाएगी। ओके, इसमें ये गूगल मैप है, इसमें फोन टाइम भी आता है, फोन ना गूगल मैप है, इसमें टाइम भी आता है। सो इसमें डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, डबल डिस्क है, डबल डिस्क, ट्यूबलेस टायर्स। ओके, ट्यूबलेस टायर्स।
सो गाइस इसके कैमरा सीन शूट अभी आपको मिल जाएंगे। कनेक्ट हो गया, तो अभी जैसे कोड मांग रहा है 989, सॉरी यहाँ पर हम कोड डालेंगे अभी 989200, वहाँ पे कोड आ गया, यहाँ से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो अभी जैसे हमने जाना कहीं, सपोज करो डिगाना जाना, ठीक है? हाँ, डिगाना का इधर लिखा, गेट डायरेक्शंस करेंगे, नेविगेट करेंगे, तो वो देख लीजिए वहाँ पर, तो देख लीजिए आपके सामने जैसे बता रहा है कि यहाँ से 30 meters के बाद लेफ्ट होना है, तो आगे डायरेक्शंस बताता रहेगा ये मैप पूरा। ओके, हाँ, ये TFT डिस्प्ले है इसकी, इस पर पेट्रोल की मार्किंग आ जाती है। तो यार इसका ये बहुत अच्छा लगा मुझे, पूरा टैंकी का डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया रॉयल इनफील्ड वालों ने। सो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, आपको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। सो गाइस इसको हम धो के आपको सीन शूट करके दिखाएंगे। सो गाइस अभी हम इसको निकाल रहे हैं बाइक को, बुलेट ही है अपना, तो अभी हम इसको पेट्रोल भरवाने के लिए लेके जाएंगे, तो बाकी इसके सिनेमैटिक्स आपको मिल जाएंगे इसके बाद। तो अभी हम पहले पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, फिर सिनेमैटिक देखो। इस पहले इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनो, करो स्टार्ट भाई। ओ, देखो कितनी लाउड है। थैंक यू यार, चल बैठ यार। गाइस हम आ गए हैं घर पे, तो इसके सिनेमैटिक्स आपको मेरे इंस्टा अकाउंट पे, मेरे इंस्टा अकाउंट पे नहीं, जयदीप के इंस्टा अकाउंट पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं इसकी आईडी। तो आप बताना कमेंट में कैसी लगी बाइक। तो मैं अभी राइड करके आया हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो आप भी बताइएगा। बाकी सिनेमैटिक्स देख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, सभी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना जयदीप को। तो गुड बाय एंड बर्बेरी कमिंग सून। बाकी डिस्क्रिप्शन पूरी चेक कर लेना कि क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, थैंक यू सो मच। सो गाइस व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप सबको बोल देता हूँ कि टेंशन मत लो, बाइक का सिनेमैटिक भी आएगा और जो जयदीप ने न्यू कर लिया है उसका व्लॉग भी आएगा, और साथ में दोनों का सिनेमैटिक आएगा, टेंशन ही लो। तो आज का व्लॉग थोड़ा बिजी शेड्यूल था थोड़ा, तो इसीलिए, तो जयदीप को सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको कॉन्ग्रेट्स कर देना। बाकी इंडिपेंडेंस डे सबको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा था, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और जल्दी हमारा बर्बेरी भी आ जाएगा और कार का और इसका ब्लॉग भी आएगा और सिनेमैटिक्स भी और आएंगे। तो देखते जाओ आगे आगे क्या होता है, देखते जाओ होता है क्या पता नहीं। तो बाकी जयदीप लेटा हुआ है, तो आज के ब्लॉग में इतना ही, थैंक यू सबका। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर कर देना। तो बाकी डिस्क्रिप्शन पूरी चेक कर लेना कि हमने क्या क्या डाला होता है, पूरा चेक करना, जो आईडी डाली होगी वो भी चेक कर लेना, कि मतलब कि इंस्टा आईडी पे रील्स भी डालते हैं ना, तो मेरे फ़ोटो भी आएंगे, सब कुछ आएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, गुड नाइट सबको, सुबह से रात हो गई है, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, तो इन्जॉय करूँगा, तो सभी इन्जॉय करो लाइफ, गुड नाइट सबको, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाकी एक बात बताऊँ, जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं हुआ, राइड तो करके आ गए, इन्जॉय करके आए, पेट्रोल नहीं भरवाया हमने, पेट्रोल पंप ही बंद हो गया।